हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो, एक नए लैपटॉप था। आज हम लेके आए हैं एचपी FC0027AU। तो दोस्तों, ये है हमारा एचपी का न्यूली लॉन्च्ड लैपटॉप FC0027AU। आगे बढ़ने से पहले, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आगे भी लेटेस्ट वीडियो लैपटॉप्स के वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लैपटॉप को पहले अनबॉक्स करते हैं, फिर उसके फीचर्स देखेंगे और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। इस लैपटॉप को भी हम बैक पैनल ओपन करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए करते हैं लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, लैपटॉप हमने ओपन कर लिया है, देखते हैं। एज यूजुअल 65 वॉट का अडैप्टर और साथ में प्रीमियम पावर कोर्ड और एक मैनुअल, ये हमेशा लैपटॉप के साथ आपको मिलता ही है। लेकिन सबसे पहले मैं आ जाता हूँ लैपटॉप पे। देखिए दोस्तों, लैपटॉप मैं आपको कहूं कि ये लैपटॉप अगर आप देखेंगे तो शायद पवेलियन सीरीज भूल जाएंगे। 15S का लैपटॉप है। मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या डिफरेंस किया है एचपी ने। अच्छा, मैं एचपी के इस बात से बड़ा खुश हूं। अभी तक हम देखते आ रहे थे 10 जनरेशन हो, 9 जनरेशन हो, 11 जनरेशन हो, 12 जनरेशन हो, सब में 15S की जो बिल्डअप क्वालिटी थी वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती थी। लेकिन एचपी ने इस बार बहुत ज्यादा चेंजेस करे हैं और मैं आपको लास्ट में प्राइसेस भी बताऊंगा। प्राइसेस भी बहुत ज्यादा नहीं रखे हैं एचपी ने अपने इस लैपटॉप में। देखिए, सबसे पहला जो चेंज है वो है मेटल बॉडी का। जो अपर पार्ट है इसका, जिसको हम ए पार्ट कहते हैं, वो एचपी ने मेटल का दिया है। लैपटॉप में फिंगरप्रिंट रीडर दिया है। जी हाँ, 15S के लैपटॉप में फिंगरप्रिंट रीडर मिलेगा आपको, बैकलिट कीबोर्ड मिलेगा। तो ये चेंजेस बहुत अच्छे करे एचपी ने अपनी एक 15S सीरीज के अंदर, जो मोस्टली हमको पवेलियन सीरीज में देखने को मिलते थे। अगर मैं बिल्टअप क्वालिटी देखूं तो बहुत बेटर है। आप देखेंगे तो बहुत बेटर बिल्टअप क्वालिटी है। जो स्लीकनेस है वो लैपटॉप की बरकरार है। पहले से ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा सा जो स्लीकनेस है वो कम हुई हो। बैक पैनल आप देखेंगे तो बैक पैनल भी क्रीमिश कलर का है आपका। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर पोर्ट्स क्या क्या है और उसके बाद फिर करेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में अगर हम पोर्ट्स देखेंगे तो दो पोर्ट्स दे रखे हैं सिर्फ। पहला पोर्ट है आपका चार्जिंग का, लैपटॉप चार्ज करने के लिए, और दूसरा है यूएसबी सुपर स्पीड। लैपटॉप के राइट साइड में हम देखते हैं तो सबसे पहला पोर्ट आपको दिखाई देता है यूएसबी सेम सुपर स्पीड में, दूसरा एचडीएमआई 1.4 आपको दिखाई देगा आपके प्रोजेक्टर और एलईडी टीवी कनेक्ट करने के लिए। आपका टाइप सी पोर्ट आपको मिलता है और एक मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं सीपीयू। तो एएमडी राइजन 3 7320U विद रेडियन ग्राफिक्स इसका प्रोसेसर है। 2.4 GHz इसकी बेस स्पीड है और टर्बो बूस्ट होकर 4.1 GHz तक जाता है। 4 कोर का प्रोसेसर है और लॉजिकल प्रोसेसर इसमें 8 है और 4 MB की L3 कैशे है। दोस्तों जो पहले हमारा FC25 और FC26 था उसमें भी सेम प्रोसेसर था। कॉन्फ़िगरेशन पूरी ही सेम है। रैम 8 GB है इसमें, स्पीड 5500 MHz की है। ऑनबोर्ड रैम है LPDDR5, इसमें रैम लगी हुई है। देखिए, रैम इसका एक बहुत मेन फीचर्स है जो इसके अंदर आपका LPDDR5 में आया है। इसी सीरीज में जो एचपी ने लॉन्च करे हैं दूसरे मॉडल जो i3 13 जनरेशन में है, उनके अंदर भी स्पीड 32 MHz की ही है रैम की, इनमें 5500 MHz दे रखी है। बात करेंगे SSD की तो 512 GB इंटेल की इसमें SSD लगी हुई है। ग्राफिक्स देखेंगे तो AMD रेडियन ग्राफिक्स है, जैसे कि हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं। AMD जो प्रोसेसर्स होते हैं उनमें अपने डेडिकेटेड, उनके प्रोसेसर में अपने डेडिकेटेड ग्राफिक्स भी होते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेडिकेटेड GPU मेमोरी। मैं आपको साफ बता दूं, इसमें कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स की अलग से चिप नहीं होती है, वो प्रोसेसर के अंदर ही इसके अंदर मेमोरी होती है जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स के लिए होती है। 1900 MHz की ग्राफिक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको इसमें मिलती है और शेयर्ड GPU भी आपको मिलता है 3.6 GB का। तो टोटल मिला के आपको 4.1 GB ग्राफिक्स आपको मिल जाता है। स्क्रीन की बात करेंगे तो HP इसमें 15.6 इंची की फुल HD स्क्रीन आपको देता है। निट्स की बात करेंगे 250 निट्स और 45% NTSC के साथ आपको मिलती है और 3 साइड नैरो बेजल के साथ आपको इसकी स्क्रीन मिलती है। हम बात करते हैं इसके कैमरे की। आपको इसमें 2 MP का फुल HD कैमरा मिलता है ड्यूअल माइक के साथ।
और अगर हम देखेंगे तो HP ने 15S में अपने कैमरे में प्राइवेसी शटर भी दिया है। आप अपने कैमरे को हमेशा ऑफ करके रखिएगा शटर लगा के, जब भी आपने यूज कराया तब ही आप इसे ओपन करिए। अगर आपका लैपटॉप हैक भी हो जाएगा तो कोई भी आपकी परमिशन के बिना आपको नहीं देख पाएगा। दोस्तों वक्त आ गया लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करने का। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है, हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है फैन से। ये हमारी SSD जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, 512 GB की इंटेल की SSD लगी हुई है। ये हमारा वाईफाई 6 और ब्लूटूथ भी इसी से होता है, वाईफाई 6। वाईफाई और ब्लूटूथ का एक ही चिप होती है जो होती है। यहाँ हमारी ऑन बोर्ड 4 GB की 2 RAM लगी हुई है जिसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, LPDDR5 इसमें रैम है। यहाँ हमारे 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं और यहाँ है हमारी बैटरी जो 3 सेल की बैटरी है 41 वर्क आवर्स के साथ। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ SSD को ही अपग्रेड कर सकते हैं, उसके अलावा हम इसमें और कुछ अपग्रेड नहीं कर सकते, रैम ऑलरेडी ऑन बोर्ड दे रखी है। देखिए इस लैपटॉप में एक मैं ये तो कहूंगा कि वैसे तो सारे बेनिफिट हैं, लेकिन एक ड्रॉबैक होता है कि सिर्फ हम रैम अपग्रेड नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ऑन बोर्ड रैम होती है उसकी परफॉर्मेंस काफी बेटर होती है। कई बार हम सुनते हैं कि लैपटॉप हैंग हो गया, लैपटॉप में ब्लू स्क्रीन आई, तो मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि रैम निकालो और उसको निकाल के साफ करके लगा दो। तो इस लैपटॉप में आपको बहुत कम रैम की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ऑन बोर्ड वालों में परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। बस एक ड्रॉबैक जरूर है, आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया FC0027AU HP का न्यूली लॉन्च मॉडल। कॉन्फ़िगरेशन Ryzen 3 में 7000 सीरीज है, 8GB 512GB SSD के साथ 15.6 इंच की फुल HD स्क्रीन और साथ में विंडो 11 और MS ऑफिस। इसके अंदर जो सबसे मेन दिया है ए पार्ट है टॉप लीड, हम जिसको कहते हैं यहाँ टॉप का, ये मेटल में दिया है। दूसरा जो इसमें दिया फिंगरप्रिंट दिया, तीसरा बैकलाइट कीबोर्ड दिया। देखिए लैपटॉप के अंदर आपको क्या चाहिए, जो आप पवेलियन सीरीज में देखते हो वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको HP ने 15S के लैपटॉप में दे दिया है। मैंने इसका वॉबलिंग टेस्ट भी किया, अगर आप इसको बंद करके आप इसके वॉबलिंग टेस्ट भी करते हैं तो आप जिसे जहां छोड़ा आपने ये वहीं पे रुक जाता है। इसके अंदर माना IPS डिस्प्ले नहीं है, ये एक इसका ड्रॉबैक है, लेकिन जिस प्राइस में HP ने इसे लॉन्च किया है अगर इसमें IPS डिस्प्ले भी आता तो प्राइस इसकी काफी बढ़ जाती है, और IPS डिस्प्ले हर किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये मैं आपको प्राइस भी बता दूं, HP ने इस लैपटॉप को 46,000 के प्राइस बैंड में लॉन्च किया है। जी हाँ, 46,000 में ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। हो सकता है टाइम टू टाइम जब डिस्काउंट आते रहे तो आपको प्राइस नीचे भी मिल जाए। देखिए 46,000 के अंदर अगर आपको Ryzen 3 7000 सीरीज 8GB रैम 512GB SSD की रैम भी मैं बता दूं LPDDR5 है जो 5500 MHz की है, विंडो 11 SL लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 होम एंड स्टूडेंट लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ, मेटल बॉडी, फिंगरप्रिंट रीडर, बैकलिट कीबोर्ड, ये सारी चीजें आपको उन्होंने एक लैपटॉप में परोस के दे दी है। तो अगर जिनका भी बजट इस रेंज में आता है इस रेंज में इससे बेटर लैपटॉप अभी मेरे सामने नहीं है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ, एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद।